हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लव ड्रीम्स। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम माइक्रोवेव में पीनट्स को कैसे रोस्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम पीनट्स जब भी हमें फ्राई खाना होता है, वो जो भुने हुए दाने होते हैं मूँगफली के, बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो हम उसे जनरली कढ़ाई में गैस पे उसे फ्राई करते हैं और जनरली हल्के तेल के साथ फ्राई करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि माइक्रोवेव में विदाउट ऑयल हम कैसे पीनट्स को रोस्ट कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए पीनट्स, एक ये डिश चाहिए जो फ्लैट डिश होना चाहिए। आप देख रहे हो ये फ्लैट डिश है, तो ये फ्लैट डिश और माइक्रोवेव है इसलिए मैंने ग्लास डिश लिया है। थोड़ा सा वाटर और एक स्पून जो हमें माइक्रोवेव में बीच बीच में चलाने के लिए चाहिए। तो चलिए पहले मैं पीनट्स को, और हाँ एक माइक्रोवेव तो चाहिए ही चाहिए तो मैं ये पीनट्स यहाँ मैंने इस डिश में डाला। ध्यान रखिएगा एक बार में बहुत ज़्यादा पीनट्स हमें नहीं लेना है, क्योंकि जो पीनट्स रोस्ट होते हैं, अगर आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसे क्लियर बना के डाला है, तो ये इवेनली रोस्ट होंगे। अगर आप जो लेयर है वो नहीं करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या होगा, नीचे वाले पहले रोस्ट हो जाएंगे और ऊपर वाले को रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ हल्का सा पानी लेके इसे थोड़ा सा वॉश कर लिया है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, पर मैंने देखा है कि जब मैं हल्का पानी डाल के इसे रोस्ट करती हूँ तो ये ज़्यादा अच्छे से रोस्ट होते हैं। तो चलिए अब मैं इसे माइक्रोवेव में डाल रही हूँ और मैंने अपना माइक्रो ऑन किया। तो आपके माइक्रोवेव में ये ज़रूर ये ऑप्शन होंगे, माइक्रोवेव ग्रिल कॉम्बिनेशन, सो मैं माइक्रोवेव सेलेक्ट कर रही हूँ। मैं ये 900 पे 2 मिनट के लिए मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो ये पीनट रोस्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसे बीच बीच में चलाते रहूँगी। तो अभी मैं 1 मिनट तक इसे छोड़ के 1 मिनट बाद इसे फिर से वापस चलाऊँगी। तो अब ये 1 मिनट होने वाला है, और आपको पता नहीं कैमरे में ये आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, पर रोस्ट होने की जो आवाज़ होती है ना, जैसे फूटता है, तो वैसे वो आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये 1 मिनट हो चुका है, एक्चुअली 1 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो अब मैं इसे एक बार चला देती हूँ। ताकि इवेनली रोस्ट हो, तो मैंने इसे चला दिया है। अब मैं इसे फिर से स्टार्ट करती हूँ, तो देखते हैं 1 मिनट बाद। तो 2 मिनट होने वाले हैं और अब मैं इसे बाहर निकाल के देखती हूँ। तो आप ये देख सकते हो इसकी जो स्किन है ये उतरनी स्टार्ट हो गई है, ये हल्का रोस्ट हुआ है, पर मुझे लगता है हमें इसे 2 मिनट और रोस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आई थिंक इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 2 मिनट के लिए। ये 3rd मिनट जो 3rd मिनट है वो कंप्लीट होने वाला है, तो हम इसे रोक के फिर से चलाते हैं। और अब देखो इसके स्मेल से ही पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका है, पर इसका जो कलर है, जो गैस पे रोस्ट करने में जो ब्राउन कलर आता है, वो अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता है 1 मिनट हम और रोस्ट करेंगे तो वो कलर भी खूबसूरत कलर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। उसका बिट टाइम हो गया है और आप पे देखो इसका कलर कितना ब्यूटीफुल कलर आ गया है, पर अभी भी जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कलर नहीं आया। तो मुझे लग रहा है अगर 1 मिनट के लिए इसे और रोस्ट कर दें तो जो ब्राउन कलर आता है ना इसका, बहुत सुंदर सा वो कलर आ जाएगा। तो चलिए 1 मिनट के लिए इसे फिर से रोस्ट करते हैं माइक्रोवेव पर। तो देखिए मैंने इसे
फिर से एक मिनट के लिए रोस्ट कर दिया है और इसका कितना ब्यूटीफुल कलर आ गया है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद हम जो इसकी स्किन है वो निकालेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों जैसा कि आप देखिए ये ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से, मैंने इसे कपड़े में टॉवल में डाल लिया है। अब हम इसे इस तरह से मैश कर देंगे ताकि जो इसकी स्किन है जो ऊपर के जो छिलके हैं वो पूरी तरह से निकल जाए। तो आप देख सकते हो कि जो छिलके हैं वो निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये रहा हमारा दाना। तो आप चाहे तो इसे ऐसे ही करके कर सकते हैं, आप इसे छिलके के साथ खा सकते हैं या छिलके हटा के खा सकते हैं। तो अब देखा दोस्तों आपने जो ये मूंगफली रोस्ट करना माइक्रोवेव में कितना आसान है, और वो भी बिना तेल के हम इसे आराम से रोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।